नमस्ते, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे अपने कॉलेज के बारे में बताओ। मैं अपने कॉलेज के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, क्या प्रोसेस है मेरे कॉलेज यानी मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, क्या प्रोसेस नहीं है, आपको कहाँ से कॉन्टैक्ट मिलेगा, कहाँ से कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपडेट बता देता हूँ, जो जो भी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं या ले लिए हैं, जिसका पुनर्पाठ आ चुका है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को यदि DRCC वेरिफिकेशन हो गया है पूर्णतः, यदि DRCC वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और कैसे करते हैं DRCC बैंक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, तो कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से और मैं आपको बता दूंगा। यदि आपका डिमांड होगा तो वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले यदि DRCC आप गए, जैसे ही गए होंगे तो एक वेरीफिकेशन कोड मिला होगा, वेरीफिकेशन कोड लेके आ गए होंगे और फिर जिस ट्रस्ट के माध्यम से आपको एडमिशन करवाएं तो एडमिशन करवा लें। और देन कुछ दिनों के बाद जब ऐसा हो जाएगा प्रोसेस, तो एक कॉल आता है कॉलेज के यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे मुझे अभी आया था कॉल और सर ने मुझे बताया था आप अपना DRCC वाला प्राप्त रसीद मुझे भेज दो, और मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया ऑनलाइन। जैसे ही आप हॉस्टल शिफ्ट होंगे ना, हॉस्टल जैसे आप शिफ्ट होंगे तो आपको हार्ड कॉपी वहाँ पे प्रेजेंट रूप से दिखाना ही पड़ेगा हार्ड कॉपी। यदि आप अदर स्टेट के तो आपको माइग्रेशन लगेगा ही लगेगा, माइग्रेशन के बिना नहीं होगा। तो इसलिए आप फटाफट माइग्रेशन निकाल लो। जो भी MMU यूनिवर्सिटी जाने वाला है, मैं भी जाने वाला हूँ, तो MMU यूनिवर्सिटी साथ मस्ती किया जाएगा। यदि MMU का स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वहाँ पे तो मिलने वाले हैं आप लोगों के से, इसलिए आपको बोल रहे हैं ना आप सब्सक्राइब कर लेना। और देन उसके बाद हमें और बता देना चाहते हैं, यदि आपको कोई डाउट होगा ना तो MMU यूनिवर्सिटी का मेन ग्रुप है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना और सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो सर ने बताया था कि आप लोगों का ड्रेस कोडिंग होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोगों का जो प्रोसीजर चल रहा है वो प्रोसीजर ये चल रहा है, मैंने कॉलेज से पता किया था उस सर से, तो सर ने मुझे बताया था ये जो आप लोगों का अभी रोल नंबर बन रहा है, एक तरह से एडमिशन हो गया है, जिसका बोनाफाइड हो गया है आ चुका है, जिसका प्राप्त रसीद हो गया, जिसके DRCC वेरिफिकेशन हो गया है, तो उसका फाइनली एडमिशन मान लीजिए हो गया है। और लेकिन कुछ प्रूफ प्रोसेस चलता है हम लोगों का डे बाय डे, तो उसके बाद हम लोगों को शायद सितंबर अक्टूबर से सेशन स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का। बट मुझे लगता है सर 20 अगस्त को हमारा MMU यूनिवर्सिटी आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन 26 अगस्त से हम लोगों को शायद कुछ कंफर्मेशन लेटर आने वाला है, जैसे सर ने मुझे बताया था। जब 26 को कॉल करूंगा आपको और आप बता देना सभी को, तो कोई नहीं बात, टेंशन नहीं लेते। यदि एनी भी प्रॉब्लम्स होना तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और कॉलेज में बहुत मस्ती होने वाला है MMU के अंदर। और देन एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ ना, एक मैं उससे एक चैनल से बहुत प्रभावित हुआ था, मिसाल जी ब्लॉग से मैं बहुत प्रभावित हुआ था उस चैनल से। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और यदि आपको हमारे यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं जैसे MBA में लिया हूँ और मैं वहाँ से मार्केटिंग और HR लेके स्टडी करने वाला हूँ, और मैं अभी से स्टार्ट कर चुका हूँ प्रिपरेशन अपना, क्योंकि मैं इससे पहले BBA कर लिया हूँ, और BBA करने के बाद मुझे MBA मास्टर डिग्री करना था, तो ऐसे मैंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई करके बोनाफाइड डेट आ गया। और मैं उस ट्रस्ट का नंबर भी दे दूँगा यदि आप को भी एडमिशन लेना है मेरे यूनिवर्सिटी में। और एक चीज़ बता दूँ कि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं जो फेक डिग्री देता है। देखो भाई, ऐसा नहीं है, नेक ए ग्रेड है, UCG है, और देन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे नेक एक ग्रेड मिलता है, नहीं तो फेक डिग्री कॉलेज में नहीं मिलता है। तो ये डॉट भी आपका क्लियर हो चुका है। यदि और कुछ चाहिए MMU से रिलेटेड अपडेट तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। और देन आप फटाफट जाके यार सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता तो कुछ नहीं मिलता। और जितने भी मार्केटिंग के स्टूडेंट और जितने भी MMU के स्टूडेंट हो ना यार, फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत मस्ती होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वाले की। एक चीज़ यार बहुत बुरा है मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा भेज नहीं देता है, क्या भेज मिलता है, नॉन भेज नहीं मिलता है, नॉन भेज मिलता है इंटरनेशनल। क्या क्या दिन आ गया, तो संभल के लेना, बहुत मस्ती करेंगे। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक जगह, और कुछ भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट में पूछ सकते हो आप MMU से रिलेटेड, मार्कंडेश्वर के रिलेटेड। तो मुझे नहीं लगता है आपको कुछ एनी प्रॉब्लम होगा, एनी डॉट होगा। तो सेशन स्टार्ट होने ही वाला है हम लोगों का, सेशन स्टार्ट शायद सितंबर से हो जाए, क्योंकि सेशन अब लेट नहीं होगा पेंडेमिक की वजह से, थर्ड लेयर चल रहा है इसके लिए थोड़ा लेट हो रहा है। वैसे हरियाणा खुल चुका है, 16 ही जुलाई से हरियाणा खुल चुका है, इसके लिए टेंशन नहीं लेते हैं हम लोग।